উপস্থিত সিনিয়র ম্যানেজার আলম স্যার, আজকের বিদায়ী অতিথি চারজন, তার মধ্যে দুজন আছেন অভিমন্যু সিংজি এবং সলিম মিয়া ভাই, এবং আজকের বিদায়ী সভার উপস্থিত সকল সাথী এবং আমার কোয়ালিক ডিস্ট্রিক্ট মেম্বার। আমরা প্রায় দু মাস আমাদের গ্যাপ ছিল অবসর গ্রহণের পর্বটা, প্রতি মাসে কেউ না কেউ অংশগ্রহণ করে এটা আমাদের রীতি হয়ে গেছে। 60 বছর পূর্ণ হলে পরে অংশগ্রহণ করেন। আজ আমার সিরিয়াল প্রত্যেকে চারজন করেন যাই না, এইভাবে আমাদের কর্মী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং আমরা মেন পর কর্মী যে ঘাটতি সেই সমস্যা আমরা কিন্তু অনুভব করছি। আজকে যে বিদায়ী সভার যে মূল অতিথি, যাদেরকে নিয়ে দু চার কথা বলবো, আমাদের ইনচার্জ বাবু, ওনাকে দেখতে মনে হচ্ছে যে ওনার 60 বছর পূর্ণ হয়েছে, কোমর ফিট হওয়ার লাগতা হ্যাঁ, থোড়া খাস প্রগতি হো গিয়া, লেকিন 5 বছর সলিম ভাই দেখতে নেই লাগতা কি আপনার 60 সাল উমর হো গিয়া, আপনি জওয়ান লাগতা হ্যাঁ, আপকো আপ ত্রিপুর হো দিন কাম কিয়া, সেই কে অনুসার বলেঙ্গে যে আপনার জব সে আপ ত্রিপুর মে আয়া, তারপর ব্যবহার হম খুশ হয়, রাজা তারা বাত বতা রা, लेके काम करना है, यही हम लोग को भी बहुत बड़ी बात है। जो भी हो आप आज श्रीपुर में अवसर ग्रहण कर ले, हम लोग का खुशी का बात है, गर्व का बात है। आपका रेस्ट लाइफ अच्छा रहे, परिवार साहब ने उम्मीदों के गुजारे, हम लोग को भी याद कीजिएगा, कभी कभी आइएगा, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे, कुछ जरूरत पड़ेगा तो हमारा यूनिट से भी आपको हेल्प करेंगे। और ज्यादा नहीं बोलते, आप विराम देते हैं। और जो मेरा साथी है सलीम मियाँ, थोड़ा हम पीछे जाएंगे, सिंह साहब हमारा पुराना ऑफिसर है झांझा प्रोजेक्ट कोलेरी का, उन्होंने बताया है कि हम इसके मिस्टर को जानते हैं, तो जानते हैं हमारा 3 और 4 पहले से मैनुअल माइंड था, लास्टिंग होता था, कोयला टॉप में लोड होना होता था, फिर प्रोडक्शन हुआ था, कुछ नहीं एक वाल का देशा का कितना कीमत था वो हम जानते हैं। हमारा आज 31 साल 32 साल ओपी हम जानते हैं, कुछ नहीं मैनेजमेंट हम लोग को कॉल करता कि देखिए आज देशा नहीं आया, चांस छाटेगा नहीं तो हमारा करियर नहीं घुसेगा, लास्टिंग नहीं होगा, कुछ नहीं देशा डीला का क्या कीमत था। आज हमारा आउटसोर्सिंग हो गया, बल्कि सलीम भाई जैसा वाल्डा का आज कीमत थोड़ा कम है, ईडीएम आ गया, ड्रेसिंग का जो आज हम मशीन में कोयला करता है, अगर अभी सुभाष लोनिया मजमा आ गए हैं, उनको भी वेलकम करता हूँ। और सुबह घोष आने वाला है, धूल का रास्ता धूल से आता है।